चलिए हम ओल्फा सर्कल कटर की अनबॉक्सिंग करते हैं। इसका बॉक्स कुछ इस तरह का है, इस तरह से दिख रहा है, और इसका मॉडल नंबर है CMP1/DX। अब इसे ओपन करते हैं। इसमें ये दिया है सर्कल कटर, और ये है फ्री ब्लेड्स, और इसमें एक और छोटा सर्कल दिया है, कुछ भी, ये छोटा सा सर्कल दिया हुआ है। इसमें ये सब सामान दिया हुआ है। तो चलिए ब्लेड चेक कर लेते हैं कैसी है। ये इसकी ब्लेड इस तरह से दिख रही है, बहुत ही शार्प लग रही है, बहुत ही मजबूत है। इसमें 10 ब्लेड्स दिए हुए हैं, 5 एक साइड 5 एक साइड दिया हुआ है, आपस में चिपका हुआ है सारा, बहुत ही स्ट्रांग है। इसमें ये बीच में ऐसे मार्क दिया हुआ है, यहाँ से तोड़ने के लिए, यहाँ पे बीच में मार्क दिया हुआ है यहाँ से तोड़ने के लिए। ये बहुत ही मजबूत है, हाथ से नहीं टूटेगा। यहाँ पे बॉक्स में जैसा दिखाया गया है इस तरह से तोड़ना है हमें, बहुत ही शार्प है, आप हाथ से तोड़िएगा भी नहीं। और ये इसमें ये एक छोटा सर्कल दिया हुआ है। चलिए हम इसको सेट कर लेते हैं। सबसे पहले एक कटिंग मैट लेंगे इसकी सेफ्टी के लिए। पहले हम ब्लेड बाहर निकालते हैं, यहाँ से इसे लूज करेंगे और आगे की तरफ पुश करेंगे। इसमें ऑलरेडी एक ब्लेड दी हुई है, यहाँ पे टाइट कर लेंगे। अब हमें रेडियस एडजस्ट करना है, इसको लूज करके फिर यहाँ से आप छोटा बड़ा रख सकते हैं, आपको जैसा चाहिए वहाँ वैसा कर लीजिए, छोटा बड़ा जहाँ चाहिए वहाँ पे टाइट कर देंगे। फिर ये आगे एक कैप भी दी हुई है, और इस कैप को हम लगा देते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं ऐसे। इसके ब्लेड भी बहुत शार्प है, ये पार्ट भी बहुत नुकीला है। इस नुकीले पार्ट को ये छोटे सर्कल पे रख के ऐसे ऐसे हमें घुमाना है, और इस सर्कल बनाते समय हमेशा कट करते समय कटिंग मैट यूज़ करेंगे। तो चलिए हम पेपर पे सर्कल कट करने का ट्राई करते हैं। नुकीले पार्ट को इस छोटे सर्कल में लगा लेंगे। ऐसे लगा लेंगे। अब सर्कल कट करते हैं। अब ध्यान रखेंगे कि हमें ब्लेड की तरफ प्रेस करना है, हल्का प्रेस करना है, और घुमाते जाना है, ऊपर का होल्डर घुमाना है, हाथ को नहीं घुमाना है। आराम आराम से घुमाते जाएंगे, ब्लेड की तरफ प्रेस करेंगे और होल्डर को घुमाते रहेंगे। और ये परफेक्ट सर्कल कट हुआ है। ये टूल मैंने पहली बार ही यूज किया है। इसमें ये मैंने एक साइड प्रेस नहीं किया, इसके लिए ऐसा लग रहा है। इसे हम निकाल लेते हैं। अब दूसरा सर्कल बनाते हैं। दूसरा सर्कल बना लेंगे फिर से, और फिर से हम रेडियस को एडजस्ट कर लेते हैं, छोटा बड़ा कर लेते हैं। ऐसे टाइट कर लेंगे इसे। ये सर्कल परफेक्ट कट हुआ है। और इसे रख के ब्लेड के साइड में प्रेस करेंगे, जिधर ब्लेड है वहां प्रेस करेंगे, और ऊपर का होल्डर घुमाते जाएंगे। आप या तो दो राउंड, आपको चाहिए तो दो राउंड कर लीजिएगा, ताकि अच्छे से सर्कल निकल जाए। दो राउंड ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। मैंने भी दो राउंड ही किया है, पहली बार कर रहे हैं इसलिए हमको लग रहा है दो राउंड ज्यादा अच्छा होगा। और इसे निकाल लेते हैं, ये एकदम परफेक्ट सर्कल निकला है। ये ऐसा निकल गया। ऐसे बहुत सारा सर्कल कट कर लेते हैं। एक बार प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, प्रैक्टिस करने के बाद इजी हो जाएगा बहुत। इसमें बहुत सारी साइज है,
हम मैक्सिमम 22 सेंटीमीटर तक का बड़ा सर्कल कट कर सकते हैं और इससे कैसा भी पेपर कट कर सकते हैं, छोटा पेपर, पतला पेपर, इवन कार्डबोर्ड भी हम कट कर सकते हैं इससे। ऐसे पेपर कट करते रहेंगे और आपको ये ध्यान रखना है, ये छोटे बच्चों से दूर रखना है हमें, क्योंकि बहुत ही साफ है, नुकीला है। और इससे कट करते टाइम हमेशा कटिंग मैट का यूज़ करेंगे ताकि आपकी टेबल और कटर की ब्लेड्स दोनों सेफ रहे। मैंने पहली बार ये यूज़ किया है टूल, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। एक बार मैंने प्रैक्टिस करी, फिर उसके बाद बहुत अच्छे से सर्कल कट हुआ। इसके पहले मैंने कैंची ही यूज़ कर रहे थे, ऐसे सर्कल बना के हाथ से फिर कैंची से कट करते थे। जब ये मैंने यूज़ किया तो बहुत अच्छा लगा हमें। अगर आपको भी लेना हो तो इसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, वहाँ से जाके आप ले सकते हैं। इससे हम छोटा सर्कल भी बना लेंगे अभी। नीचे कटिंग मैट पे करते टाइम वो कटिंग मैट पे निशान भी नहीं आते हैं और कुछ ख़राब भी नहीं होगा। अगर टेबल पे रख के करेंगे तो टेबल भी ख़राब होगा, ब्लेड भी ख़राब होगा और उस पर निशान भी आएंगे, पेपर भी ख़राब हो जाएगा, तो हमें वो सब ध्यान रखना है। और ये कई तरह के सर्कल बन गए, ये हमें बहुत अच्छा लगा है। आपको अच्छा लगे तो आप भी ले लीजिए।